हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, जिस खबर का इंतज़ार था, ब्राइटकॉम ग्रुप के वीकली रिपोर्ट का जो इंतज़ार था वो आ चुकी है। काफ़ी उसमें बिग अपडेट्स है, बिग न्यूज़ है। सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी ने बताया है कि की फोकस एरियाज कंपनी के लिए क्या है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड एक्सपांड पब्लिशर्स नेटवर्क, ये कंपनी की टॉप प्रायोरिटी है, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। उसके अलावा सेकेंड प्रायोरिटी कंपनी ने बताई है कि ट्रेडिंग सस्पेंशन, जो कि कंपनी का ट्रेडिंग मंडे टू मंडे हो रहा है, उसको एक्टिवेट जो डेली एक्ट करना, उसके लिए कंपनी की प्रायोरिटी है। उसके अलावा कंपनी ने बताया है बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में कंपनी क्या क्या अभी करने जा रही है। तो कंपनी अटेंड करने वाली है पब्लिशर्स मीट, जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज होने वाला है अक्टूबर 29 से लेकर अक्टूबर 31 तक। उसके अलावा कंपनी डीजी डे बार्सिलोना में भी पार्टिसिपेट करने वाली है, जो कि अक्टूबर 28 से लेकर अक्टूबर 30 को होने वाला है स्पेन में। उसके अलावा कंपनी गाइटेक्स दुबई, जो कि दुबई में अक्टूबर 14 और से 18 तक था, उसमें भी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि मिडिल ईस्ट मार्केट को टारगेट करने के लिए कंपनी ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, वो भी कंपनी ने बताया है। अब आता है मेन पार्ट, जिसमें जिसका लिए कंपनी का शेयर भाग नहीं रहा है, वो है कंप्लायंस का पार्ट। कंप्लायंस के लिए कंपनी ने क्या किया है, एजीएम के लिए सबसे पहले कंपनी ने मीटिंग कॉल की है, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आपको बताया था। अक्टूबर 24 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जिसमें कंपनी अलग अलग टॉपिक डिस्कस करने वाली है। कंपनी ने यह भी बताया है इस रिपोर्ट में कि कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है पब्लिश कर दिया है, वो भी कंपनी का एक मेन जो पेंडिंग काम था वो पूरा कर दिया है कंपनी ने। और अगला एसएचपी जो है वो भी जल्द ही कंपनी पब्लिश करेगी, ऐसा भी कंपनी ने बताया है। कंपनी ने एजीएम की तैयारी कर रही है, जिसके लिए प्रैक्टिसिंग सीएस की कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प ली जा रही है, वो भी कंपनी ने बताया है। एजीएम का एजेंडा कंपनी ने बताया था, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अप्रूवल देना था। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो शायद कंपनी को वो ध्यान में आई है गलती, और कंपनी ने इसमें मेंशन किया है कि डायरेक्टर एंड ऑडिटर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, मतलब जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, मे बी ईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन भी एजीएम में होने वाला है, जिसके कारण ऑडिटर और डायरेक्टर ये कंपनी बने रहेंगे, ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है आने वाले दिनों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एजीएम में शेयर होल्डर्स का इंटरेक्शन होगा मैनेजमेंट के साथ, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शेयर होल्डर्स को मौका मिलेगा मैनेजमेंट को सवाल पूछने का, वो भी इसमें होने वाला है। अब सवाल यह है कि जो ट्रेडिंग सस्पेंशन है, उसके ऊपर कंपनी ने क्या एक्शन लिया है। उसके ऊपर कंपनी ने बताया है, रिवोकेशन रिक्वायर्स द FY23 एनुअल रिपोर्ट अपलोड। तो फाइनेंशियल ईयर का 22-23 का एनुअल रिपोर्ट कंपनी जब तक अपलोड नहीं करती है NSE BSE पर, ट्रेडिंग सस्पेंशन जाने वाला नहीं है, तो उसके लिए अभी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो एजीएम में पास होगा उसके बाद ही होगा ऐसा लग रहा है। रिक्वेस्ट विल बी सबमिटेड आफ्टर अक्टूबर 24 मीटिंग। मतलब कंपनी ने तो ये कहा है कि 24 अक्टूबर के मीटिंग के बाद में एनुअल रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, देखते हैं कि वो सबमिट होता है या नहीं होता है, कंपनी की ओर से क्या उसके बारे में बताया जाता है। फोकस फॉर नेक्स्ट वीक, कंपनी ने बताया है कि अगले हफ्ते में कंपनी क्या क्या करने का टारगेट रख रही है। कंप्लीट BSE एंड NSDL कमिटमेंट्स, जो BSE एंड NSDL के जो कमिटमेंट्स है ट्रेडिंग रिवोकेशन के लिए, सस्पेंशन रिवोकेशन के लिए, उस पर कंपनी काम नेक्स्ट वीक में करने वाली है। कंटिन्यू एफर्ट्स टू रेज्यूम डेली ट्रेडिंग, वो तो कंपनी बार बार कह ही रही है हर बार, पर कुछ हो नहीं रहा है। बट अब कंपनी ने एक तरह से टाइमलाइन दी है, सबसे आखिरी में अक्टूबर 24 को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, उसके बाद में AGM का नोटिस जारी किया जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए, और उसके बाद में एनुअल रिपोर्ट जो है रेडी हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। रिवोकेशन एप्लीकेशन भी फाइल कर दिया जाएगा, और कुछ ही हफ्तों में कंपनी की ओर से Q4 का रिजल्ट और FY24 का ऑडिटेड रिजल्ट भी पब्लिश किया जाएगा, वो भी कंपनी ने बताया है, वो भी पॉजिटिव बात है। और Q4 के रिजल्ट के बाद में कंपनी इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल भी कॉल करेगी, जिसमें डिस्कस किया जाएगा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह। मतलब
कंपनी ने काफ़ी क्वार्टर्स के बाद से कभी भी कॉन कॉल ऑर्गेनाइज नहीं किया था, जबकि पहले कंपनी में प्रैक्टिस थी कि हर क्वार्टर रिजल्ट के बाद में कंपनी कॉन कॉल ऑर्गेनाइज करती थी। तो कंपनी ने वो भी बताया है कि अब कॉन कॉल भी होगा कंपनी में क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद में, वो भी पॉजिटिव बात है। और नवंबर 21 को कंपनी की AGM भी ऑर्गेनाइज होगी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, तो वो भी कंपनी ने बताया है। तो कंपनी अभी कोशिश कर रही है, आशा करते हैं कि इस सब अपडेट के कारण हमें मंडे को शेयर में तेजी देखने को मिले, बट पता नहीं है, टोटली डिपेंड करता है बायर सेलर्स पर, ऑपरेटर्स पर मेनली, कि वो क्या रिएक्ट करते हैं। उनको शेयर को गिराना होगा तो गिरा भी सकते हैं, या फिर ये जो अपडेट्स आए हैं अबाउट AGM, अबाउट क्वार्टर फोर के रिजल्ट के अपडेट, SHP पब्लिश हो चुकी है, तो जिसके कारण आशा करते हैं कि शेयर में जो गिरावट चल रही है पिछले 2 हफ्तों से, लोअर सर्किट लग रहा है वो अपर सर्किट लगे, यही आशा करते हैं। कंपनी के हिसाब से, कंपनी की ओर से कोशिश की जा रही है सब ठीक ठाक करने की, आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक हो और शेयर में जो गिरावट का सिलसिला चल रहा है वो ख़त्म हो और जो लोग ऊपर के रेट में फंसे हुए हैं उनका लॉस रिकवर हो। और उसके अलावा कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आए आने वाले क्वार्टर्स, जिसके कारण फिर से एक जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर कम्युनिटी में बिल्ट हो। थैंक यू फ्रेंड्स।